कितनी बार करना चाहिए वो ठीक रहता है। मुरली आपको दो बार सुननी है, ब्रीज आपको पांच बार करनी, दस बार करनी, ये बात बोलते हैं हमेशा। तो कितनी बार करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से हमारे खाने का भी है, फूड का भी है और एक्सरसाइज का भी है। तो हम पूरा उसके बारे में आज थोड़ा सुनेंगे, फिर हम जो है ऑप्टिकल भी सुन सकते हैं। तो देखिए, जो हम फूड खाना खाते हैं तो जनरली ऐसा है कि हम तीन बार चार बार ऐसे भी खाते हैं, और हमारा जो भोजन है, नाश्ता है, भोजन है, वो छोड़कर भी हम दिन में भी बहुत बार खाते हैं। तो यूजुअली मैं पूछा जाए तो कितना समय खाते हैं हम, कितना समय हम खाते हैं, मीन्स अगर पीते किए, पानी पीना अलग बात है ठीक है, लेकिन दूध कॉफी चाय ये भी खाना ही, इसमें भी सब कुछ रहता है, शुगर नहीं है, प्रोटीन सब कुछ रहता है उसमें भी, तो उसको आप खाने में ही इंक्लूड करेंगे। ऐसे नहीं कि वो पीना है तो सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं। तो आपको जनरली हम तीन या चार बार, तो वैसे अगर अपने को हेल्दी रखना है तो देखिए ऐसा कुछ एकदम हार्ड फास्ट नहीं है, इतनी बार खाना है इतनी बार खाना है, जिनको पॉसिबल है उनको दो बार। बाबा ने कहते हैं आयुर्वेदा कहते हैं, मधुबन में तो हमें चार बार मिल जाता है, तो बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि भूख नहीं लगी है फिर भी समय हो गया है और चलो फिर खा जाओ। तो क्या हमें भूख नहीं है तो क्या खाना खाना चाहिए? नहीं, पहली बात, हमें अगर भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना चाहिए। आप कहेंगे कि फिर संगठन है तो फिर क्या करें, बाद में भूख लग गई तो भागे, बाद में मिलेगा नहीं, से हो सकता है ना। तो कुछ चीज़ें अपने पास ऐसे रख सकते हैं हम, अगर भूख लगे तो उस समय खा सकते हैं, लेकिन जब भूख नहीं है आपको, भूख नहीं है तो आपको नहीं खाना है, तो आप खाएंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी ठीक है। तो सबसे पहले है कि हमें क्या खाना चाहिए, बाद में आप देखेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे खाना चाहिए तो आपको सब पता है, लेकिन नहीं खाना चाहिए वो भी बहुत हमको पता है, लेकिन उसके पीछे क्या साइंस है वो भी हम जानने की कोशिश करें। वैसे 10 मिनट में नेक्स्ट। तो देखिए, हमारा जो भी भोजन होता है उसमें सभी कॉम्पोनेंट जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो होते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, ये मेनली ये होते हैं। इसमें आपको अगर फिट रहना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों, बाकी तो आवश्यक है ही, बाकी तो माइनर घटक है, विटामिन्स और मिनरल्स है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये तीनों में आपके हिसाब से किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स क्यों? क्योंकि अगर हम फैट खाते हैं, फैट जो फैट मीन्स ऑयल, घी और वो अगर खाते हैं तो वो एकदम उसके अंदर अगर हम उतना हमारा हार्डवर्क नहीं है तो वो जम जाते हैं, फिर क्या पेट पे जमेगा, यहाँ जमेगा, यहाँ जमेगा ठीक है। सिंपल बात है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हमें खाना है। अगर गाड़ी में पेट्रोल 10 लीटर भरा और हम 3 ही किलोमीटर चले ठीक है, और कल वापस 10 किलोमीटर भरा, 10 लीटर डाला पेट्रोल, परसों वापस 10 डाला, तो क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? तो वही बात हो रहा है, वही हो रहा है। अभी आप तो सभी मुझे फिट दिख रहे हैं, अच्छी बात है, सभी सबके वेट जो है अच्छे कंट्रोल में है, क्योंकि हम बहुत सेवाएं भी करते हैं, लेकिन देखा गया है कि जो ज़्यादा उनकी बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, वो उनका फैट बढ़ जाता है।
जैसे से हम सीनियर बनने लगते हैं वैसे हर साल एक एक किलो बढ़ा तो भी 10-12 साल में 10-12 किलो बढ़ जाता है, तो उससे ही सब बीमारियां हो रही है आज। ठीक है, तो हमें जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। तो फैट अगर है, हम ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ बैठ जाए, और वो कारण है आज डायबिटीज का। फैट अगर है तो डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज क्यों होता है, अगर देखिए जो आपकी क्या मान्यता है कि डायबिटीज किसके कारण होता है, क्या कारण है, चीनी। हाँ चीनी, लेकिन क्यों, कौन सा आपका हॉर्मोन्स है जो आप सुनते हैं हमेशा, इंसुलिन, पैनक्रियाटिक एंजाइम है, इंसुलिन क्या कहते हैं हम, इंसुलिन कम क्या कम होता था रोकते हैं इसको, कम होने से डायबिटीज होती है। हाँ, इंसुलिन कम होने से डायबिटीज होती है ये हमें मालूम है, लेकिन जो भी बड़े लोगों में डायबिटीज होती है, बड़े लोग बच्चों की छोड़ दीजिए, बचपन से जन्मतः जो डायबिटीज है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 95% डायबिटीज जो है वो है बड़ों की डायबिटीज, आज उससे ही मृत्यु हो रही है। तो ये जो भी 90% डायबिटीज है, 95% डायबिटीज ये जो है, ये इसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती है, इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल रहती है इसमें। लेकिन क्या हो जाता है, फैट या अपनी सेल्स ऐसी होती है कि जो इंसुलिन जो है ना अंदर, इंसुलिन जो है वो जाने नहीं देती। अर्थात आपने डैम देखा है, डैम में पानी भरा हुआ है, लेकिन आगे खेती करनी है और विंडो खोली नहीं किसने, तो कितना भी भरा पानी हो क्या मिल पाएगा वो खेती को, नहीं मिल पाएगा। तो वैसे ये जो डायबिटीज है ये मिसनोमर है, ये मन में हमारी अलग इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन है कि इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन की कमी नहीं होती है। डैम में इंसुलिन भरा हुआ है लेकिन जो सेल्स की विंडो है वो नहीं खुल पा रही है, वो नहीं खुल पा रही अंदर जाने के लिए। तो क्यों होता है, फैट, जितना फैट ज्यादा, जितनी फैट सेल ज्यादा उतनी वो विंडो खोलने नहीं देगी, जितनी एक्सरसाइज कम उतनी वो विंडो नहीं खुलेगी। ठीक है, वो रिसेप्टर्स होते हैं उसको एक्टिवेट नहीं हो पाते, ठीक है, उसको ऑर्डर नहीं मिलता है खुलने का, इसके लिए हमें एक्सरसाइज और वेट दोनों पे ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि एक के ऊपर हमारा ध्यान, दोनों का है कारण है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो फैट है वो कम मात्रा में, तो उसमें भी जो सैचुरेट फैट है मीन्स बैड फैट्स वो कम से कम। तो एक है गुड फैट्स, दूसरे है बैड फैट्स। तो बैड फैट्स कौन से हैं, बैड फैट्स में जो डीपली तला हुआ जो भी है, मीन्स क्या, उबलते हुए तेल में जो भी हम पकाते हैं और खाते हैं वो सबसे हार्मफुल फैट, सबसे बेकार फैट जो है, जो पूरे अपने बीमारियों की जड़ है फैट के, फैट्स जो भी होती है उसकी है। इसके लिए देखिए कम से कम खाए, न खाना तो ये हमारे लिए यज्ञ में संभव भी नहीं, अगर हम समर्पित है तो बहुत बार संभव भी नहीं होता है, लेकिन हम कभी अभी गुलाब जामुन है, तला हुआ पूरी है, समोसा है, पराठा वड़ा है, बहुत कुछ भजिया है, तो क्या हम छोड़ दें, हमें कोई आके दे रहा है तो हम छोड़ दें, इतना त्यागी हम बन जाए, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, कि नहीं आपका एक रूल बना है कि अगर आपको ये चीजें संगम युग के अंत तक खानी है तो फिर हमें अभी से ये थोड़ा सा कंट्रोल करना है, नहीं तो फिर बाद डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेंगे कि नहीं आपको ये छोड़ना है, ये कम खाओ आप बीमारी है, तभी फिर आउट ऑफ कंपल्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम ये ध्यान रखें कि हम खाएं।